अभी भी आप पैदल ही जाने का रास्ता है, अभी उस समय भी पैदल जाने, पैदल जाने अभी तो पैदल भी नहीं होगा ना, ये ट्रैक्टर ऐसे ही क्रॉस करते थे हम लोग चरैया डिग्री कॉलेज के चार दीवारी निर्माण कार्य से मुख्यमंत्री सड़क पर ग्रामीणों के आवागमन बाधित से ग्रामीण आक्रोशित, भूमि विवाद के निराकरण के लिए पहुंचे कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि। पूर्णिया जिला के बायसी थाना अंतर्गत चरैया डिग्री कॉलेज की चार दीवारी निर्माण कार्य से मुख्यमंत्री सड़क में बाधा उत्पन्न हेतु लोगों के आवागमन में परेशानी को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, जिसका निराकरण के लिए चरैया डिग्री कॉलेज परिसर में बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी, अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्माइल, वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुबान एवं क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां पर तमाम ग्रामीणों की सहमति से भूमि निराकरण किया गया और लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो अर्थात आवागमन बाधित ना हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने सड़क के लिए कुछ जगह छोड़कर डिग्री कॉलेज की चार दीवारी निर्माण कार्य की अनुमति दी, जिसमें सभी स्थानीय ग्रामीणों और मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधि की सहमति बनी रही। उधर से निकासी नहीं है, उधर ये खेत क्या है, ये उन लोगों को बुलवाइए ना, है तो है, तो एक आदमी का है नहीं, जमीन वाला तो है, सभी लोग हैं, चार आदमी का जमीन है। आपको जो उसके बाद कल से जब शुरू किए तो मुखिया जी बोले क्या कि नहीं काम नहीं। अच्छा, एक तो बात बताइए, आपका कोई प्रॉब्लम आने दिए नहीं, नहीं, जिस समय फोन घुमाया, जिस समय फोन घुमाया सर, मैडम हम आ गए, काम हो रहा है तो रहना ही चाहिए। हम था हमको कुछ नहीं, हम तो मैम से बात किए, मैम लोग बोले हम आ रहे हैं, हम क्या आपके साथ में नहीं है, हम क्या बोले हम करेंगे, गलत हम क्या करेंगे, हम भी सहयोग के जिस समय भी उसका मुंशी फोन किया ना, तुरंत आ गए हमें नहीं नहीं ठीक है, कोई इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, नहीं और यहाँ इतना ही दूर प्रॉब्लम, इतना ही दूर यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता का प्रॉब्लम है, रास्ता तो लाइए ना, मैम को नजर ना आ जाएगा, रास्ता तो लाइए ना। मुंशी जी, डिग्री कॉलेज का क्या मसला था जिसको लेकर के यहाँ पहुँचे थे? कॉलेज में चार दीवारी निर्माण का मसला था, इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने हम लोगों को बुलाया था, संबंधित यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आए थे, पूर्व विधायक जी भी मौजूद थे। इसमें चारदीवारी के निर्माण का मसला था, लेकिन चूँकि रोड RWD का बना हुआ है और रोड के बोथ साइड कॉलेज की ज़मीन है, इसी मसले पर हम लोग आए थे कि पब्लिक को रोड का भी यूज़ होना चाहिए और चारदीवारी का काम भी प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। क्या कुछ निर्णय लिया गया अब तक? इतना सामूहिक निर्णय हुआ है इसमें कि रोड जो बन चुका है, क्योंकि रोड जो बन चुका है तो वो रोड गवर्नमेंट का ग्रामीण कार्य विभाग का है, इसमें उस टाइम में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने DPR बनाया था और इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ये रोड के बगल में भी कॉलेज की जमीन है। अभी मौजूदा जो डिग्री कॉलेज है इसमें चार दीवारी निर्माण का स्वीकृति मिला है, उसी को लेकर आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या कुछ मामला थी जहां पर आप पहुंचे थे और क्या कुछ डिसीजन दिया गया इस मामले को लेकर? डिग्री कॉलेज के बाउंड्री वॉल का मामला है, यहां कॉलेज का जो जमीन है RWD की सड़क बन रही है, तो जो ग्रामीण है इस रास्ते से गुजरते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर बाउंड्री वॉल बन जाएगा तो यहाँ के लोग यहाँ से कैसे इन चीज़ों को लेकर समस्या हो रही है और इस रोड के अलावे आगे सरकारी जमीन नहीं, इन चीज़ों को देखते हुए आपसी सहमति से तत्काल निर्णय हुआ है, जो काम बचा उसको करेंगे, इसके बाद सड़क के भीतर ही बाउंड्री वॉल का काम किया। अच्छा, ग्रामीण पहुँचे थे, ग्रामीण को सारी चीज़ आश्वासन दिया गया, सबके साथ बात की गई है, सभी की सहमति बनी तब इस प्रकार निर्णय लिया गया। सी में जो भवन निर्माण हुआ है उसके बाद फिर बॉयज़ हॉस्टल और लेडीज़ हॉस्टल ये सब बनने का कार्यक्रम चल रहा है, बन रहा है, इसी बीच में मुख्यमंत्री सड़क एक बनी है जो भसिया से जहानपुर तक बनी है, लेकिन आगे जाके सड़क की ज़मीन नहीं रहने के चलते वो रुका हुआ है, इसी बीच इस मैंने कॉलेज डिग्री कॉलेज का जितना भी मकान बन रहा है, भवन बन रहा है, ये अपनी ज़मीन में बाउंड्री कर रहा है, अब बाउंड्री कर रहा है तो जो सड़क मुख्यमंत्री सड़क है उसको भी घेर दे रहा है, जब उसको घेर देगा तो किसानों के लिए नुकसान है, किसान फिर यहाँ से अपना खेती का सामान निकाल के नहीं ले जा पाएगा,
इसलिए अभी आज एसडीओ मैडम यहाँ आई थी, सीओ साहब भी थे और ठेकेदार तो यहाँ है ही और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी सब यहाँ मौजूद थे। सबकी मांग है कि सड़क को छोड़ के बनाया जाए, लेकिन कुछ जमीन जो मैडम देखी कि उधर ज़्यादा छुटा हुआ है सड़क से उत्तर, तो उनके दिमाग में ये बैठा कि सड़क से उत्तर हम 12 फीट छोड़ के हम बाउंड्री कर लेंगे, 12 फीट में सड़क बनवा लीजिए, तो ये आदेश देके चला गया है। लेकिन ये नुकसान होगा आगे आने वाले समय में किसानों के लिए, किसान को हर हालत में ये सड़क का इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर हम लोग बात करेंगे आगे, अभी ठेकेदार को जो आदेश दिया है, ठेकेदार भी हम लोग के यहाँ है अभी, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं। प्रिंसिपल साहब परसों आ रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से हम लोग बात करेंगे। एक रास्ता जो जैसे यहाँ उत्तर और दक्षिण का मामला है, तो दक्षिण जो बाउंड्री का पिलर गाड़ चुका है, पाइलिंग कर चुका है, अब दीवार देना शुरू करेगा, तो दक्षिण वाले को अगर रास्ता नहीं मिला यहाँ इस सड़क में आने के लिए, तो दक्षिण भी जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन के किसान वो परेशान होगा। इसलिए ये एक रास्ता वहाँ भी होना चाहिए और ये सड़क को खुला रहना चाहिए, ये हम लोगों की मांग, यहाँ के लोगों की मांग है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के कॉलेज कमेटी जो है वो इस कार्य में काफ़ी बाधा उत्पन्न करती है। कॉलेज की कोई कमेटी यहाँ नहीं है, ये सब नाइट गार्ड है और ये झाड़ू पोछा करने वाला है, ये लोग कोई स्टाफ नहीं है, ये एक हेड क्लर्क है कोई बाहर का, उसके बातचीत से ऐसा लगता है कि वो यहाँ दादागिरी करता है। अब उस दादागिरी करने में इल्लू का अगर कुछ सहयोग है तो बहुत भारी भूल कर रहा है लोग। हाँ, नापी करने का मामला है तो नापी फिर से किया जाएगा, नापी करके इसको ऑलरेडी ओरिजिनल जमीन को ओरिजिनल खूटा गाड़ के इसको जो है मैंने फिक्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो कॉलेज डिग्री कॉलेज बना है और खेती है लोगों का, रोड बना है, तो यहाँ के लोगों को तकलीफ होगी तो फिर ये कॉलेज लेके क्या करेगा, लोग रोड लेके क्या करेगा।